हाय गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और आपके भाई ने भी व्लॉग बनाना शुरू कर दिया क्योंकि आज आपके भाई का हैप्पी बर्थडे। को लगता नहीं है ये अपने बाप के बर्थडे में भी इतना एक्साइटेड होता है जितना मेरे बर्थडे में एक्साइटेड है। गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आज दो इंपॉर्टेंट चीजें। आज आपके भाई का बर्थडे है, दूसरा आज है इंडिपेंडेंस डे। मैं आपको सुनाना चाहता हूं मैं इंडिपेंडेंस डे वाले दिन पैदा कैसे हुआ। तो गाइस आज से 24 साल पुरानी बात है, मेरे मम्मी पापा मैं पैदा तो होने वाला था 14 अगस्त को, लेकिन मेरे पापा रहे सच्चे देशभक्त। मेरे पापा ने बोला भाई हमारे घर में भगत सिंह पैदा होगा, तो मेरे पापा ने बोला एक दिन कंट्रोल करो अगले दिन रक्षण करेंगे। तो अगले दिन 15 अगस्त को रक्षण पैदा हुआ और देश का नाम रोशन कर रहा है, ठीक है, पूरे इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। मतलब हमारा देश जो है ना वो तो आजाद हो चुका है, देश को 78 साल हो गए आजाद हुए हुए, लेकिन क्या हमारा देश सच में आजाद है? अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन क्या हमारा देश करप्शन से आजाद हो पाया? क्या हमारा देश जात पात से आजाद हो पाया? क्या हमारा देश रेपिस्ट जो रेप वगैरह करते हैं उससे आजाद हो पाया? क्या हमारा देश देश विरोधी शक्तियों के द्वारा आजाद हो पाया? तो हमने क्या करना है, हमें इन इन ये जो असुरी शक्तियां हैं इनको खत्म करना है। हमारे बच्चे बच्चे में बच्चे बच्चे का एक ही संकल्प होना चाहिए, हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को वही कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आनी चाहिए, भारत माता की जय। अभी हम जा रहे हैं फिलहाल राजमा चावल खाने के लिए, पीड़ा वाले राजमा चावल यार, मतलब समझ रहे हो देसी घी। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि अभी आपका भाई आया हुआ है गिरिराज सर के बाद, मतलब गिरिराज सर के बाद आया था, सर ने मेरे को पढ़ाया हुआ है और सर को मतलब कौन नहीं जानता है, मतलब सर को पूरा इंडिया जानता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मतलब हमारे सर को सल्यूट है यार, मतलब क्या बताऊँ, आज इंडिपेंडेंस डे है तभी हम आज सर के पास आए थे क्योंकि सर एक जीती जाती एग्जाम्पल है भाई, जो मतलब सच्चे देशभक्त की एग्जाम्पल है, क्योंकि सर ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो जिन्होंने मतलब देश के लिए मतलब अपनी जान तक निशावर कर दिया, कैप्टन तुषार महाजन। जितने मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके आसपास जो भी मतलब मतलब देशभक्त जो है जो शहीद हुए हैं देश के लिए उनकी फैमिली के पास जाओ और उनको मतलब उनके साथ उनके पास जाने। तभी हम सर के पास आए थे आज इंडिपेंडेंस डे के दिन सर, और आपको हम पेड़ दे रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। हेलो, और सर ने मेरे को पढ़ाया हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर की एग्जांपल बताऊंगा। सर हमें स्कूल में पढ़ाते थे ना, तो मैं सबसे ज्यादा शरारती बच्चा होता था स्कूल में, तो सर बताओ क्या करते थे, पूरी प्रेयर के सामने मतलब कोई 500-600 बच्चा होता था, सर माइक में बोलते थे रक्षण बाबू कहाँ पे है, पूरी प्रेयर में सबसे आगे बैठते थे। शरारती नहीं था, शरीफ था, तभी आगे बैठते थे शरीफ। और सर बोलते थे तू माल क्या स्कूल का माल। सही में यार सर, मगर जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। तो गाइस अभी हम झंडा चढ़ाने कुछ इस तरह की लोकेशन में आए हुए हैं, तानिश बल्ले खिलाना मुआ, पीछे टायर में गाड़ी नहीं फंसा, टायर नहीं फंसा मुआ, भी जाके के भैया पे आ जो करा दे छड़ा झंडा चढ़ाए थोड़ी लगता इतने बंदे ने मुआ लांदे तक का लांदे तक का बंदे ने जय बाकी है जिंदाबाद आयक जय आहे भारत भाग्य विधाता। तो अभी का सीन था कि अभी मैं जा रहा हूँ जिम, क्योंकि भाई जिम मारना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, मेरे को 3-4 महीने हो चुके हैं लगातार जिम मारते हुए, एक दिन भी मिस नहीं करता हूँ मैं जिम, क्योंकि भाई जिम में जाकर भाई मोटिवेशन आती है, क्योंकि भाई ऐसा लगता है कि भाई आपने कुछ प्रोडक्टिव कर दिया दिन में, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि बड़ा जिम जा रहा है, स्टाइल मार रहा है, बड़ी बॉडी बन गई तेरी, तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ बॉडी बनाना सेकेंडरी चीज़ है, पहली चीज़ है भाई जिम से हमारे अंदर आता है डिसिप्लिन, ठीक है, कि मतलब सेम टाइम सेम जगह उस वक्त पे जाना है, तो ये होता है डिसिप्लिन, ठीक है। कंसिस्टेंसी लाइफस्टाइल है भाई जिम मारना, ठीक है, बॉडी बनाना नहीं, बॉडी भी बनानी है, लेकिन भाई कंसिस्टेंसी और एक लाइफस्टाइल सिखाता है हमें जिम, ठीक है, डिसिप्लिन। ओके तो गाइस जस्ट अभी मैं जिम मार के आया हूँ, हैवी वर्कआउट मारा भाई जिम में, तो शकीन हैवी वेट मार दे। मैं आपको बता देता हूँ मतलब हैवी वेट इसलिए मार रहा हूँ ताकि ना मेरी चेस्ट बने ना,
फिजिक अपने लिए है भाई, मैं किसी के लिए थोड़ी बना रहा हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं दो जिम जाता हूँ। तो गाइस मैं जस्ट घर पे आया हूँ। मम्मा जी है, मम्मा जी क्या हाल है? ठीक हूँ। अरे आपके बेटे का बर्थडे, कैसी खुशी है वो? बड़ी सुहा खुशी है वो, सुहा खुशी है वो, खुशी हाँ बोले को क्या बेटा जमा हमने है, मजाक के बिना यार यही है, कितना अनसक्सेसफुल बेटा जमा है हमने, कुछ सक्सेसफुल नहीं कर पाया जिंदगी में, कुछ उखाड़ ही नहीं रहा, पक्की बात है 100% है। चलो देखते हैं, 24 साल का मैं झंडा हो चुका हूँ, 24 साल तक बड़े झंडे चुल्लू आज आगे झंडे चुल्ले, कोई झंडा नहीं चुलना। चलो कोई बात नहीं, अभी जा रहे हैं पार्टी करने के लिए। मम्मा ओके जी, ओके। और पापा जी की यहाँ पे सक्सी लक्स देख सकते हो आप, हमारे यहाँ पे पोगो पोगो, बाय बाय पोगो। हाँ तार लेकर मम्मा की ना फोन की तार टूट गई है, तो मम्मा बोले फोन के बिना रहना सीखो तू, एक सेकंड तो काम है, मैंने तो गप लगानी होती है, लड़कियों के साथ किसके गप लगानी है? आपने किसके साथ लगानी है? अपने भरा भरजाई भैन दोस्त दोस्त ओके मर्द दोस्त हैं आपके? मर्द दोस्त हैं? मर्द नहीं। और गाइस आपको ये लड़का दिख रहा है, ये हमारे जोजी भाई का भाई है, कितना बहुत शरीफ आदमी, इतना इंटेलिजेंट है भाई। तेरे 12th में कितने परसेंट? 12th में कितनी परसेंट है जी? 92%। और अभी मैं आपको दूसरा मक्खर दिखाता हूँ, इस कपड़ा, ये बंदा इतना इंटेलिजेंट है और वो इसका भाई देना, वो पैसे सीधे का बदमाश। ये हर फैमिली में ऐसे दो बंदे होते हैं, एक बंदा शरीफ एक बंदा बदमाश, ये शरीफ बंदा है, दूसरा आपको प्रगाट दिखाता हूँ। हाँ क्या नाम है मेरा? राकेश। मोह मेरे पापा ना है, मोह इलेक्शन 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 क्या? मैं गाइस मैंने अभी इस गाड़ी में बहुत कुछ पड़ा है, आज हमारे रक्षण भाई का बर्थडे है और इसमें एक विस्की ब्रांड पड़ा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास फोटो है उसकी। गाइस ये सुधार भाई, सुधार जी हमारे झूठ बोलते हैं, सच बोलना, झूठ नहीं पीता हूँ, नहीं पीता हूँ भाई, एक बूंद नहीं पीता हूँ भाई, मजाक मैंने कोई नहीं पीता, ये मेरे ऐसे बोले, झूठ नहीं बोला करो भाई साहब। तो गाइस आज पूरा बाजार बंद था, ड्राई डे था, तो हमने सामान तो लेना था, तो यहाँ पे भाई की दुकान में आ चुके हैं, यूनिवर्सल मोबाइल सॉल्यूशन, पैरो तो इधर से हमने लिया हुआ है, सभी भाई हमारे इनकी दुकान से हमने लिया सामान, ठीक है सभी भाई, थैंक यू, पैसे थोड़ी देने इसके, कोई बात नहीं भैया, मुफ्त आपका बर्थडे, आपको गिफ्ट दे दिया, थैंक यू भाई, लव यू यार। ये हमारे तानिश भाई हैं, अभी आपको इनका अपने भाई दिखाया, कितना शरीफ आदमी, और ये देखो कितना लोंडा है। मैं आया हुआ हूँ बंदरों को खाना खिलाने के लिए, मतलब केले शेले लेकर आए हुए हैं, क्योंकि भाई बर्थडे था ना, तो भाई मेरे को एमी पे बंटाई है रैपर, उसके मैं गाने सुनता हूँ, तो उसने एक बार गाने में बोला था बर्थडे पे पार्टी नहीं बर्थडे पे दान करो, तो भाई हम बर्थडे पे दान करने के लिए आए हुए हैं, और आप मेरे पीछे बंदर देख सकते हो, बंदरें दे कार बंदर आए, बंदर बड़े खुश हुए, आखिरे सारे नए बंदर उड़ कुत्थों आए। तो गाइस आज बर्थडे है मेरा, और गाइस ये जो दिन है ना बहुत ज्यादा फेक सा लगता है, क्योंकि भूल गया है। तो गाइस आज बर्थडे है मेरा, और ये जो दिन है ना बहुत फेक सा लगता है, भरावा बेला देना पौधा नहीं, अज फेक सा लगता है, बबे दी 4000 बेला ही रख यार। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, और अगर बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम। की मम्मी इसको पूछते कि तूने शराब पीती थी? ना मैं पीना, ना मैं पिलाना, डाल देगा आगे इसकी मम्मी को।